इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा अभी अभी सीईटी 12th लेवल एग्जाम के एडमिट कार्ड को लेकर नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि आप अपने एडमिट कार्ड कौन सी दिनांक में कब से डाउनलोड कर सकते हो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन के भी अभी तक आपके करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुई है और सीईटी 12th की भी करेक्शन विंडो जो एग्जाम के बाद ओपन होगी। तो इन दोनों एग्जाम की करेक्शन विंडो जब भी ओपन होगी तो मैं आपको बता दूंगा आपको फॉर्म में किस तरह से सुधार करना है। अगर आपके सीईटी फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई हो, चाहे वो फोटो को लेकर हो, सिग्नेचर को लेकर हो, कोई भी मिस्टेक हो गई, उसे कैसे सुधार करना है जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगी, मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। और इसी तरह राजस्थान एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए देखते हैं एडमिट कार्ड को लेकर क्या नोटिस जारी किया। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आज की डेट में कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 11/2024 क्रमांक 3221 दिनांक 29/8/2024 के द्वारा समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम दिनांक 27/9/2024 को प्रेस नोट द्वारा जारी किया गया था। उक्तानुसार परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा, यानी कि सीईटी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि आप सभी को मालूम है 29 अगस्त से शुरू हुए थे और इसकी परीक्षा का आयोजन है वो कितनी शिफ्टों में किया जा रहा है, समय क्या है, उसके बारे में चर्चा करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपका प्रवेश पत्र है वो कब से आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं परीक्षा आपके 3 दिन तक आयोजित होगी, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को परीक्षा आपके मॉर्निंग में जो पहला चरण है मॉर्निंग शिफ्ट वो आपके 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है और जो इवनिंग शिफ्ट है दूसरा चरण वो आपका होगा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसके बाद 23 तारीख को जो मॉर्निंग की शिफ्ट है वो 9 से 12 बजे तक है और इवनिंग की शिफ्ट है 3 से 6 बजे तक और 24 को भी आपके मॉर्निंग की शिफ्ट 9 से 12, इवनिंग की शिफ्ट है 3 से 6, यानी परीक्षा आपके 6 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। सीईटी ग्रेजुएशन 4 चरणों में आयोजित की गई थी, सीईटी 12th लेवल आपके 6 चरणों में आयोजित की जा रही है। तो अब इसके प्रवेश पत्र कब आप देख सकते हैं, तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षा के ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थी दिनांक 14/10/2024 को साय 7 बजे से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट या स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर ले, यानी कि आपको एडमिट कार्ड आज शाम को 7 बजे से देखने को मिलेगी। बोर्ड की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप अपने SSO ID से भी डाउनलोड कर सकते हो। बोर्ड की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो बोर्ड की वेबसाइट का यहाँ लिंक दे रखा है, आपको इस लिंक पर जाना होगा। उसके बाद लिंक पर जाने के बाद वहाँ पर आपको गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन दे रखा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन के बाद आपके एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा और आपसे DOB पूछा जाएगा और कैप्चा कोड पूछा जाएगा। ये सभी आप फिल करने के बाद ही अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब परीक्षा हेतु सामान्य निर्देश भी दे रखे हैं, वो क्या है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो गहरा किया हुआ है वही इंपॉर्टेंट है तो उन्हीं के बारे में चर्चा करता हूँ। जैसे कि 4 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति देवे ताकि तलाशी के उपरांत समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्थिति में स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें। यानी कि जैसे कि जिनका मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर 9 बजे है तो इन्हें 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, आपको सेंटर पर 8 बजे से पहले पहले पहुँचना है। और जिनका दोपहर की शिफ्ट में पेपर है 3 बजे तो उनको 2 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि इनको 2 बजे से पहले पहले पहुंचना आवश्यक है सेंटर पर। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश, यानी कि आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, तो परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, 1 मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी, आधार कार्ड में जन्मतिथि का अंकन होना आवश्यक है, विशेष परिस्थिति में ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा। यानी कि आपको परीक्षा में प्रवेश पत्र लेके जाना है
और एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड देके जा रहे हो तो आधार कार्ड पर जो DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो कंप्लीट लिखी होनी चाहिए। डे, मंथ और ईयर तीनों ही लिखा हुआ होना चाहिए। अगर सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो उसके साथ आप कोई और डॉक्यूमेंट लेके जाओ, फिर वो चाहे पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या मतदाता पहचान पत्र, यानी कि जिस पहचान पत्र में आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लिखी हुई है वो आपको लेके जाना है। उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो साथ में लेके जाना है और नीले रंग की शाही का एक पारदर्शी बॉल पॉइंट साथ में लेके जाना है। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर नहीं लेके जानी। यानी कि आपको क्या क्या लेके जाना है, एक तो आपको अपना प्रवेश पत्र लेके जाना है, प्रवेश पत्र के अलावा एक आपको रंगीन फोटो लेके जाना है जो कि 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रंगीन फोटो लेके जाना है, और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी आधार कार्ड को देनी है। आधार कार्ड अगर आपके डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है तो आपको ऐसा कोई दस्तावेज लेके जाना है जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लिखी हुई, और इसके अलावा आपको पारदर्शी बॉल पेन लेके जानी है। इसके अलावा आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है। और OMR में जैसे कि आप सभी को मालूम है 5 ऑप्शन देने दिए हुए होंगे, इस बार भी आपके जैसे कि हर भर्ती परीक्षाओं में दे रखे होते हैं, तो 5 ऑप्शन को लेकर मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को खाली छोड़ा है, उसमें एक भी गोला नहीं भरा, तब आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो काट दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा, और 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया जाता तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा। यानी कि पेपर में 150 क्वेश्चन है और आपने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और 15 से कम खाली छोड़ने पर क्वेश्चन का आपका 1/3 भाग काट दिया जाएगा। पेपर में नेगेटिव नहीं है लेकिन खाली छोड़ा तब आपका नंबर है वो कटेगा। इसके अलावा लिखा हुआ परीक्षा केंद्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने और तलाशी से फेस रिकॉग्नाइजेशन हो जाने, सतर्कता दल द्वारा जाँच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। अब ड्रेस कोड को लेकर क्या दे रखा है उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि पुरुष स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ है पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन फुल आस्तीन के शर्ट पहन सकते हैं। अब परमिशन मिल चुकी है बोर्ड द्वारा कि आप फुल आस्तीन के भी शर्ट है वो पहन सकते हैं। टी शर्ट, पैंट, हवाई चप्पल, स्लीपर पहन कर ही आवे। महिला स्टूडेंट के लिए सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन या फुल आस्तीन का कुर्ता, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर ही आए। स्टूडेंट को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर आ सकते हैं, किंतु अपनी वेशभूषा में बड़े बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। आप फुल आस्तीन का कुर्ता पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, अगर उस पर मेटल बटन है तो आप नहीं पहन सकते। साधारण बटन है तो आप पहन सकते हो, बड़े वाले बटन है तो आप वो पहन नहीं सकते हो। परीक्षार्थी लाक या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट आदि पहनकर नहीं आएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, स्कार्फ, स्कॉल, सॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। सैंडल, जूते और मोजे सभी छोटे टखने तक के ही पहनने की अनुमति होगी। तो ये सभी जो आपका ड्रेस कोड है वो भी मैंने आपको बता दिया है। प्रवेश पत्र जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि प्रवेश पत्र आपके आज शाम को 7 बजे जैसे कि समय यहाँ दे रखा है 7 बजे का, अगर 7 बजे तक नहीं होता है तो थोड़ी देर बाद ही हो जाएगा, क्योंकि CET ग्रेजुएशन में भी ऐसा ही हुआ था कि जो टाइम दे रखा था उस समय नहीं हुआ तो उसके 3 घंटे बाद, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो अगर आज भी ऐसा होता तो आप ये मत सोचना कि आज प्रवेश पत्र नहीं आएगा, प्रवेश पत्र आज ही आ जाएगा। अगर प्रवेश पत्र 7 बजे तक आपके वेबसाइट नहीं चलती है तो हो सकता कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन प्रवेश पत्र आज की डेट में आपके जारी हो जाएंगे। प्रवेश पत्र में आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, यानी कि कुछ कुछ भर्ती परीक्षा में जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी किया जाता है ऐसा इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट प्रवेश पत्र यानी कि आपको जिले के अंदर कौन सी स्कूल या कौन सा कॉलेज मिलने वाला वो भी आज आपको पता चल जाएगा। बाकी पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा, सभी चरणों की, 6 की 6 चरणों की, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।
बाकी हर भर्ती परीक्षा के डीवी से रिलेटेड भी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के डीवी को लेकर मैंने अपडेट दी है। कल मैंने आपको सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड भी दी थी। CHO की डीवी भी मैंने जैसे कि आप सभी को बताया था कि 16 तारीख से शुरू होने जा रही है, और एग्रीकल्चर संगणक भर्ती परीक्षा की डीवी कंप्लीट भी हो चुकी है और उनका रिजल्ट भी जल्दी जारी हो जाएगा। बस रिपोर्ट जब सौंप दे बोर्ड को और उसके बाद बोर्ड फाइनल रिजल्ट तैयार कर देगा। GNM का भी ऐसा ही कुछ है। और अब जो महिला प्रवेशक है और आंगनवाड़ी महिला भर्ती परीक्षा, इन दोनों का रिजल्ट आ चुका, लेकिन डीवी को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल से जरूर जुड़े रहें।